बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी सिचुएशन बीए पार्ट टू में 2021 के पेपर में जो लिमिट का क्वेश्चन आया था, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। अब लिमिट के क्वेश्चन में मुझसे बहुत बार पूछा गया कि कब सिंप्लीफाई करना है और कब सिंप्लीफाई नहीं करना। अगर मैं ये सवाल देखूँ तो इसमें ऊपर नीचे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो सिंप्लीफाई हो जाए। अब कब सिंप्लीफाई करना होता है और कब सिंप्लीफाई नहीं करना होता, अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट की है और डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है, तो फिर बेहतर है कि पहले मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूँ और फिर उसके बाद जो वो वैल्यू दे रहा है उसको पुट करूं और आंसर लेके आऊँ। फिलहाल ये जो सिंपल जो 2021 में क्वेश्चन है वो तो बहुत आसान है। लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 1, x प्लस 1, मैंने क्वेश्चन रिपीट किया। अब यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। डायरेक्ट मैंने x की जगह 2 रखा, 2 माइनस 1 1 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पर मेरे पास जो अगला क्वेश्चन था उसमें x टेंड्स टू 5, 2 एक्स प्लस 5 अपॉन 4 एक्स, इधर भी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन रिपीट किया, एक्स की जगह डाला 5 और नीचे भी एक्स की जगह डाला 5, 2 फाइव ज़ा 10, ये 5 उतरा, 4 फाइव ज़ा 20, 10 प्लस 5 15 और 20 वैसे ही आया। अब 10 और 20 दोनों सेम टेबल में फिफ्टीन और 20 दोनों सेम टेबल में आते हैं। 5 के टेबल में 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, आपके पास ही आंसर होगा। तो ये इतना सा इसका क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आया।